हेलो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फोर्टीन वाटर स्टैंडर्ड सिक्स लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली वन बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक मान लीजिए सपोज़ करिए कि आपकी फैमिली को एक सप्ताह तक लगातार एक ही बाल्टी पानी मिले एक दिन में एक ही बाल्टी पानी इमेजिन वाट वुड हैपन सोचिए क्या होगा वॉट यू वुड यू बी एबल टू कुक क्लीन यूटेंसिल्स वॉश क्लोथ और बात क्या आप सारी एक्टिविटीज़ कर पाएंगे वॉट आर दर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप नहीं कर पाएंगे व्हाट वुड हैपन इफ वी डू नॉट हैव इजी असिस्ट वॉटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हम हमारे रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाएंगे तो सोचिए क्या होगा बिना पानी के रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाने पे क्या इफेक्ट होगा अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे एक दिन में हम पानी पीने के अलावा और भी काफ़ी सारे काम हैं जो हम पीने के पानी से करते हैं ये आपकी एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे हाउ मच वाटर डू वी यूज़ लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज वाटर इन अ डे आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें पूरे दिन जो जो एक्टिविटी करते हैं पानी से वो लिखिए सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल फोर्टीन पॉइंट वन मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर ईच एक्टिविटी बाई यू एंड योर अदर फैमिली आपके द्वारा और या आपके परिवार के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है पानी के द्वारा वो आप लिखिए पहले उसके लिस्ट बनाइए यू मे यूज़ अ मग अ ग्लास अ बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेज़र द अमाउंट ऑफ वाटर यूज ठीक है लिखिए अब यहाँ पे ये एक्टिविटी दी गई है आप देखिए इसे एक्टिविटी है ड्रिंकिंग कितना पानी पी जाते हो आप पूरे दिन में देन एट ग्लास ऑफ वाटर ब्रशिंग में टू ग्लास ऑफ वाटर बाथिंग में वन बकेट ऑफ वाटर वॉशिंग यूटेंसिल्स में थ्री बकेट ऑफ वाटर वॉशिंग क्लोथ में फोर बकेट ऑफ वाटर टॉयलेट्स में टू बकेट ऑफ वाटर क्लीनिंग फ्लोर में वन बकेट ऑफ वाटर एनी अदर एक्टिविटीज़ में हम गैस करते हैं कि टू बकेट ऑफ वाटर पानी हम यूज़ करते होंगे टोटल वाटर यूज्ड इन अ डे बाय योर फैमिली जब आप फाइंड कर लीजिए कि आप पूरे दिन में कितना पानी यूज़ करते हैं ये इस एक्टिविटी के अंदर बताना है आपको फिर हम पढ़ेंगे यू नो हैव अ रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेज इन अ डे अब आपको एक आए रफ आइडिया आ जाएगा कि आपका परिवार एक दिन में कितना पानी यूज़ करता है कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाई यू फॉर पर्सनल क्लीनलेस इन अ डे यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाई योर फैमिली इन अयर पहले आप ये निकालिए कि एक दिन में आप कितना पानी यूज़ करते हो वो निकालने के बाद फिर आप निकालिए कि आप पूरे साल में कितना पानी यूज़ करते हो जैसे कि आप सपोज करिए कि आ, ड्रिंकिंग वाटर एट लीटर ब्रशिंग वाटर टू लीटर बाथिंग में आप टेन ट्वेंटी लीटर यूज़ करते हो वॉशिंग यूटेंसिल्स में थर्टी लीटर वॉशिंग क्लोथ्स में फोर्टी लीटर टॉयलेट्स में टेन लीटर क्लीनिंग फ्लोर में टेन लीटर एनी अदर में टेन लीटर तो आप ये मान के चलिए कम से कम ट्वेंटी लीटर टू हंड्रेड लीटर पानी अपना एक दिन में जाता है अगर टू हंड्रेड लीटर पानी एक दिन में हम यूज़ करते हैं तो पूरे साल में कितना यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज को टू हंड्रेड लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से आप अपना एस्टिमेट निकाल सकते हैं फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन अब अपने विलेज और टाउन में कितने लोग रहते हैं आप ये नंबर फाइंड करिए फिर है आपका नेक्स्ट पेज यू मे नाउ गेट एन आई आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन नीयर एक साल में कितना पानी यूज होता है आपके पूरे गांव में ये भी आप निकाल सकते हो अगर आपकी फैमिली का निकल गया एक साल का तो फिर हमारे गांव में जितनी फैमिलीज है उसको मल्टीप्लाई कर देना उस आंसर से तो पूरे गांव का पानी निकल जाएगा कि एक गांव में कितना पानी यूज़ होता है यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर डू यू थिंक अवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दीज वी यूज वीट राइस पल्सेज वेजिटेबल एंड मैनी अदर फूड आइटम एवरीडे हम जो इसमें आइटम्स आग्ट, बताइए इसका यूज़ रेगुलर करते हैं पल्सेस का वेजिटेबल का

can you think of some more uses of water? water is used in industries for production, produ producing almost all the thing that we use. पानी हमें industries में भी चाहिए होता है जहाँ पे कोई भी चीज produce करने के लिए पानी की जरूरत होती है. so we need water not only for our daily activities but also for producing many things. सिर्फ हमारी रोज मरने की ज़िंदगी में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अलावा हमें खेतों में भी पानी की जरूरत पड़ती है फैक्ट्रीज़ में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है और भी काफ़ी सारी ऐसी जगह जहाँ पर पानी की जरूरत पड़ती है फिर हम पढ़ेंगे वेयर डू वी गेट वाटर हमें पानी कहाँ से मिलता है वेयर डू वी गेट वाटर दैट यू यूज़ सम ऑफ यू मे से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर कुछ ऐसा बोलेंगे आप लोगों में से कि हमें पानी रिवर से मिलता है स्प्रिंग से मिलता है पॉन्ड वेल और हैंडपम्प से मिलता है सम अदर माइट से कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स कि हमें पानी नल से मिलता है हैव यू एवर वंडर वेयर वाटर इन द टैप्स कम्स फ्रॉम क्या कभी आपने सोचा है कि नल में पानी कहाँ से आता है वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लैक और अ रिवर और अ वेल जो नल में हमारे पानी आता है वो भी लैक रिवर और वेल से ही आता है इट इज देन सप्लाई थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स फिर इसे ने पानी सप्लाई किया जाता है नदियों से पाइपलाइन के द्वारा पानी हमारे घर में आता है नलों के द्वारा ईच अस में बी गेटिंग वाटर इन टू आवर होम इन डिफरेंट वेज हमारे घरों में पानी दूसरे तरीकों से भी आता है बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स सच एज पोन लैक रिवर एंड वेल्स फाइनली यह है कि पानी हमें कहाँ से मिलता है या तो पोन से या लैक से या रिवर से या फिर वेल से वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्स ऑफ वॉटर यहाँ पर हम कुछ सोर्स के बारे में बात करेंगे वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फाइन टू फिल दिस पोन लैक रिवर एंड वेल अभी पोन लैक रिवर और वेल में पानी कहाँ से आता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये देखिए यहाँ पे आपको अर्थ बताई गई है ओशियन कवर अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ ये देखिए यहाँ पे आपको अर्थ के लैंड पार्ट दिखाई देंगे अभी लैंड पार्ट में इसके अलावा जो आपको ब्लू ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये वाटर पार्ट है डू यू नो दैट अबाउट टू थर्ड ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशियन एंड सीज आपको पता है कि अपने पृथ्वी का दो तियाई भाग जो है वो पानी से ढका हुआ पानी से घिरा हुआ है और सिर्फ एक एक चौथाई भाग में ही हमारे यहाँ पे पानी है द वॉटर इज़ इन द ओशियन एंड सीज हैज़ मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट द वॉटर इज़ सेलाइन ये जो पानी होता है कड़वा होता है इसमें बहुत सारा नमक होता है ओशियन समुद्र के पानी में सो so, it is not fit for drinking and other domestic agriculture and industrial needs you might have heard the famous line of the poem rhyme of the ancient Mariner," written by S.T. coleridge in 1798. the writer may poem water water everywhere nor any drop to drink sabi hi pani हम उसे पी नहीं सकते ये लिखा गया है समुद्र के बारे में जो हमारे ये दो तियाई एक दो तिहाई बाघ जो पानी से ढका हुआ उस पानी के बारे में लिखा गया है हेयर इज द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड द प्लाइट ऑफ सेलर ऑन अ शिप लॉस्ट इन द ओशियन येट ओशियन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज अब इसमें यह है कि जो एक सेलर के बारे में बताया गया कि सेलर पानी में डूब गया डूबने के बाद में उसे पानी पीना था लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिला क्योंकि समुद्र का पानी तो हम पी ही नहीं सकते हैं सभी जगह पानी ही पानी है लेकिन हमारे क्या काम का गेट ओशियन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़ डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज नॉट सॉल्टी मैनी ऑफ लिव इन प्लेसेज फार अवे फ्रॉम द ओशियन क्या कभी आपने सोचा है कि जो हम पानी पीते हैं वो सॉल्टिन नहीं होता और कई लोग ऐसे होते कई कर... स्टेट ऐसी है जो समुद्र से कोसो दूर है डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेज ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशियन तो क्या ये जगहों पर पानी भी ओशियन पर ही डिपेंड रहता है हाउ डज द ओशियन वाटर रीच पोन्ट लाइक रिवर एंड वेल विच सप्लाई अस वाटर कैसे पानी ओशियन से पोन्ड लेक और रिवर में पहुंचता है और कैसे उस पानी का सप्लाई होता है हाउ कम वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेज इज नॉट सलाइन एनीमोर ये कैसे पॉसिबल होता है कि जो पानी हमारे तक आता है वो सलाइन नहीं होता है कड़वा नहीं होता है दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन वाटर साइकिल कहाँ से आता है अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में सी डियर स्टूडेंट डिसएपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर पानी का गायब हो जाना हाउ मैनी टाइम यू हैव नोटिस कई बार आपने नोटिस किया होगा दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम कि जो पानी फर्श पर गिरता है वो कुछ समय के बाद वहाँ से गायब हो जाता है सिम द वॉटर सिम्स टू डिसअपियर सिमिलरली वाटर डिसअपियर फ्रॉम द वेट क्लॉथ एज दे ड्राई अप जो गीले कपड़े में सुखाते हैं उनका पानी भी गायब हो जाता है वाटर फ्रॉम वेट रोड्स रूफ टॉप एंड फ्यू अदर प्लेसेज ऑल्सो डिसअपेयर आफ्टर द रेन वेयर डज दिस वाटर गो ये जो जगह पे हमें सड़कों पे पानी होता है हमारी छत के ऊपर पानी होता है कुछ समय के बाद वो पानी गायब हो जाता है तो ये पानी जाता कहाँ है डू यू रिमेंबर एक्टिविटी सिक्स इन चैप्टर फाइव इन विच वाटर विथ सॉल्ट डिजोल्व इन इट वॉट हीटेड पॉजिटिड जब हमने पानी को गर्म किया था तो उससे हमें नमक मिला था वॉट डिड वी फाइंड तो हमें क्या हमने क्या पाया था द दाटर इवोपरेट एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड जब हमने पानी को गर्म किया तो पानी तो इवोपरेट एवो, हो गया भाप बनकर ऊपर उड़ गया और नीचे सिर्फ सॉल्ट रह गया दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ये एक्टिविटी हमें एक आइडिया देती है कि अनहीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर्स जब पानी गर्म होता है तो पानी वेपर्स में भाप में बदल जाता है वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट जो वाटर वेपर होती है वो अपने साथ में सॉल्ट नहीं लेके जाती है सॉल्ट वहीं पे रह जाता है वाटर वेपर्स तो फॉर्म बिकम अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड कैन नॉट यूजिली बेसिन ये जो वाटर वेपर है ये हमारी एयर का एक पार्ट है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज असेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इन टू इट्स वेपर और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पानी वाटर जो है वाटर वेपर वेपर में कन्वर्ट हो सके हाउ एवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेज इन टू इट्स वेपर ऑल्सो और अब हम देखेंगे कि वाटर कैसे वेपर में चेंज होता है वाटर कैसे वाटर वेपर में चेंज होता है फ्रॉम दसी फील्ड रोड रूफ टॉप एंड अदर लैंड एरियाज अदर जगह से वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर फाइव दैट टू ऑप्टन साल्ट वाटर फ्रॉम द सी इज लेफ्ट इन शेलो पिट टू लेट द वाटर एपरेट हमने चैप्टर फाइव में पढ़ा था कि नमक को प्राप्त करने के लिए हम गड्ढे बनाते हैं गड्ढे में ये जो पानी होता है समुद्री पानी वो इकट्ठा करते हैं फिर वहाँ पे इकट्ठा करने पर जो पानी पानी होता है वो वाटर वेपर बन कर के इवोपरेट हो जाता है और नीचे सिर्फ नमक रह जाता है फ्रॉम पियर डज दिस वाटर गेट द हीट इट नीड टू एवोपरेट लेट अस फाइंड आउट इस पानी को गर्म करने के लिए गर्माहट कहाँ से मिली गर्मी कहाँ से मिली और वो पानी इवोपरेट हो गया इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि गर्मी कहाँ से मिली ओके okay, इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं यहाँ एक आपको एक एक्टिविटी दी एक 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 गई है वो देखिए डी रेस्टोरेंट एक्टिविटी टू टेक टू सिमिलर प्लेट्स प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सन लाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट अब दो प्लेट्स लीजिए एक को सन में रखिए और एक को छाया में रखिए और उसमें अब बराबर अमाउंट में जैसे आप एक ग्लास पानी डालते हो बाहर सनलाइट तो के नीचे तो दूसरे बर्तन में भी आपको इतना ही पानी डालना है यू कैन यूज उसमें से ऑब्जर्व दू प्लेट आफ्टर एवरी फिफ्टीन मिनट हर पंद्रह मिनट के बाद आप उस प्लेट को देखिए वाटर सीम टू क्या पानी गायब हो गया ऐसा लग रहा है आपको फ्रॉम विच प्लेट डज इट फर्स्ट वॉट इज़ दोर्स ऑफ द हीट फॉर दिस एवोपरेशन कौन सी प्लेट में से पहले पानी गायब हो गया और इसका सोर्स क्या था कि ये पानी एवोपरेट हो गया ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वॉट इन ओशियन रिवर लैक एंड पोन दिन के समय में सनलाइट जो है वो ओशियन रिवर और लैक पर गिरती है द फील्ड एंड अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसिव सन लाइट और अदर लैंड एरिया पर भी सन लाइट होती दिन के समय में तो सूर्य की रोशनी होती ही होती एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेज कंटिन्यूसली चेंजेस इन टू वेपर इसी कारण से सन की हीट के कारण से इन सभी जगहों से पानी इवोपरेट होता है हाउ एवर द सॉल्ट डिजोल्व इन द वॉटर आर लेफ्ट बिहाइंड और जो वो पानी नीचे बच जाता है उसके अंदर क्या रहेगा नमक ही बच जाएगा इसलिए वो पानी सॉल्ट ही हो जाएगा इन एक्टिविटी टू डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसपीयर फ्रॉम द प्लेट कैप्ट इन द शेड हमने एक्टिविटी टू में देखा कि दो प्लेट में रखा था जो सनलाइट में था उसमें से पानी पहले एवोपरेट हो जाएगा और जो शेड में रखी हुई उसमें से भी पानी तो एवोपरेट होगा लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा दो इट कूड हैव टेकन मोर टाइम लेकिन जो सेकेंड वाली प्लेट है उसके अंदर जो शेड में थी प्लेट उसमें से पानी एवोपरेट होने में टाइम लगेगा डज द हीट फ्रॉम द सन लाइट रिच हेयर क्या यहाँ पे सनलाइट लाइट पहुँची थी यस ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट हीटेड दिन के समय में जो हमारे चारों तरफ की हवा होती है वो सनलाइट के कारण गर्म हो जाती है दिस वाम एयर प्रोवाइड हीट और यही गर्म हवा हीट प्रोवाइड करती है फॉर इवोपरेशन ईवोपरेशन होने के लिए ऑफ वाटर इन द शेड जो छाया में पानी पड़ा था उस पानी को ओवोपरेट होने के लिए हीट कहाँ से मिली गर्म हवा से और हवाएं गर्म कहाँ से हुई सन लाइट से एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट कंटिन्यूसली एडेड टू एयर हाउ एवर इेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस जो वाटर का इवोपरेशन है बहुत ही स्लो प्रोसेस है दैट इज़ वाई वी रियरली नोटिस इट्स लॉस फॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर इन सनलाइट इपरेशन टेक प्लेस फास्टर सनलाइट में जो वर्क है वो बहुत जल्दी होता है एवोपरेशन बहुत जल्दी होता है और अगर शेड में होगा तो एवोपरेशन बहुत धीरे से होगा ये यही कारण है कि अगर एक बाल्टी में पानी रखा होता है तो वो एकदम से रिवरेट होकर के उड़ नहीं जाता है ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर इट्स एवोपरेशन टेक प्लेस इवन फास्टर इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रो विच वाटर वेपर गेट ट्रांसफर इन टू एयर क्या पानी को गर्म करने के अलावा भी और कोई आइडिया है जिससे कि पानी फटाफट से वाटर वेपर में चेंज हो जाता है लॉस ऑफ वाटर बाई प्लांट प्लांट्स में से पानी का लॉस होना यू हैव लर्न इन चैप्टर सेवन आप चैप्टर सेवन में पढ़ चुके हैं दैट प्लांट नीड वाटर टू ग्रो प्लांट को भी बड़ा होने के लिए पानी की जरूरत होती है प्लांट यूज़ अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देअर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीजिंग बाई द प्लांट इन टू एयर एज वाटर वेपर थ्रो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन इसमें क्या पानी पौधों को बढ़ाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है वो जो पा, पौधा पानी अपने अंदर लेता है वो उसके वर्क में काम आ जाता है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ट्रांसपीरेशन के द्वारा बाहर निकल जाता है वाटर पेपर एंटर द एयर अब इससे जो वाटर पेपर है वो एयर में एंटर करेगी द प्रोसेस ऑफ यूपरेशन एंड ट्रांसपीरेशन इट इज़ इट लॉस्ट फॉर एवर नो वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी इसे हम दोबारा भी पाते हैं जो पा, जैसे प्लांट है वो अगर जड़ों से पानी लेगा तो फिर वो इप्रेशन होकर के बाहर भी निकल जाएगा फिर है एक्टिविटी थर्ड हाउ आर क्लाउड फॉम बादल कैसे बनते हैं अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे टेक अ ग्लास हाफ फील ऑफ विद वाटर आप बेटा अब फटाफट एक ग्लास ले लीजिए उसमें पानी भर दीजिए वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ बाहर से इसको बहुत अच्छे से साफ कर दीजिए एड सम आइस इन टू द वॉटर अब इस पानी के अंदर थोड़ी आइस डाल दीजिए वेट फॉर वन और टू मिनट ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास अब ग्लास के बाहर की तरफ क्या चेंज आता है वो आप दो तीन मिनट बाद देखिए फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप एपीअर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास Containing iced water, cool the air around it, and the water vapor of the air condenses on the surface of the glass. We noticed this process of condensation in activity 7 in chapter 5 देखिए बेटा इस एक्टिविटी में ये लिखा है कि जैसे हमने एक ग्लास पानी लिया उसके अंदर बर्फ़ डाला तो बर्फ़ के डालने से वो पानी अंदर का ठंडा हो गया अब इस ग्लास के बाहर की तरफ जो एयर है उसके अंदर वाटर तो है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन जब वो एयर जो वाटर वाली एयर है वो इस ठंडी ग्लास के संपर्क में आएगी तो वो एयर क्या हो जाएगी कंडेंस हो जाएगी जम जाएगी ठंडी होकर के और वो ठंडी होकर के ग्लास के चारों तरफ बूंदों के रूप में हमें दिखाई देगी तो वहाँ पे पानी क्या हुआ कंडेंसेशन एवोपरेशन मतलब पानी का भाप बन के उड़ जाना कंडेंसेशन का मतलब वापस भाप बने हुए पानी का बूंदों में बदलना द प्रोसेस ऑफ कंडेंशेसन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वॉटर बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ ये जो कंडेंशेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है द्वारा, इसके द्वारा ही पानी वापिस जमीन पर आता है हाउ डज इट है एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट गेट कूलर वैन द एयर मूव्स अप इट गेट कूलर एंड कूलर एट सफिशियंट हाईट द एयर बिकम सो कूल that the water वेपर present in it condense to form tiny drop of water called droplet. इसमें यह बताया गया कि जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊपर वाले एरियाज़ में जैसे माउंटेंस वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ की हवा ठंडी होती है, जैसे और ऊपर जाएंगे तो वहाँ की हवा और ठंडी होगी वहाँ पे क्या होता है एयर के अंदर जो पानी होता है ना वो कंडेंस हो जाता है और वो बूंदों के रूप में छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाता है इसलिए वहाँ का वातावरण कैसा होगा ठंडा इट दज़ दीज चीनी ड्रॉपलेट दैट रिमेन फ्लोटिंग इन air एंड ए पी एल as cloud क्लाउड और ये जो ये जो जैसे जैसे हम ऊँचाई पर जाएँगे वहाँ पर जो हवा ठंडी हो जाएगी ठंडी होने के कारण ऊपर की तरफ ये जो पानी की बूंदें हवा में जो पानी होता है वो कंडेंस हो जाएगा ड्रॉपलेट के रूप में बदल जाएगा जो ड्रॉपलेट है ये हमें बादलों के रूप में दिखाई देगी ऊपर की तरफ इट इज इट्स सो हैपन दैट मैनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कम टूगैदर टू फॉर्म लार्जर साइज अब ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट है ना वो एक साथ इकट्ठी हो जाएगी और इकट्ठी होके बादल का रूप ले लेगी फिर देखिए ड्रॉप ऑफ वाटर सम ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगिन टू फॉल अब इसमें से कोई जो ड्रॉपलेट है जैसे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है तो फिर वो नीचे गिरने लगती है दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप आर वॉट वी कॉल रेन इन स्पेशल कंडीशंस इट मे ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो दस वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इन टू ईयर बाई एंड ट्रांसपीरेशन फॉम क्लाउड एंड देन कम्स बैक टू द ग्राउंड एज रेन हेल और स्नो ये जो पानी है यहाँ से वाटर वेपर बन करके ऊपर उड़ा फिर ये कंडेंसेशन हुआ कंडेंसेशन होकर के क्लाउड बने क्लाउड बन करके फिर ये पानी वापस क्या हुआ नीचे गिर गया बरसात के रूप में जिसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन बैक टू द ओशियन अब हम बैक टू द ओशियन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब तक, तक जितना मैंने आपको पढ़ा है आप पढ़िए उसका ट्रांसलेशन करिए समझिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का बताएंगे और बेटा आपको अगर ये चैप्टर समझ में आया है अच्छे से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक सेंड कर सके आपको इस चैप्टर को और अच्छे से अदर्स चैप्टर्स को और अच्छे से समझा सके ओके नेक्स्ट वी मीट इन नेक्स्ट चैप्टर देन सी यू बाय